अश्विनी कुमार दो जुड़वा भाई हैं, जो कि विराट पुरुष अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर जब वो अपना विराट रूप धारण करते हैं तो उनके शरीर के अंग में उनके दोनों नासा छिद्र बनते हैं। विराट पुरुष के शरीर के अंग के नासा छिद्र हैं अश्विनी कुमार। यदि आप भागवत में विराट पुरुष के वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होगी। अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं और दोनों अपनी गोद में एक एक बालक लेकर के आते हैं और माद्री को सौंप देते हैं कि ले माद्री प्रभा। तो उन दोनों बालकों का नाम नकुल और सहदेव रखा जाता है। अब बड़े प्रेम से अभी वन में ही निवास कर रहे हैं महाराज पांडु, दोनों रानियां, पांचों पुत्र। लेकिन बाहरी किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं पता है कि ये पांडु के पुत्र नहीं है बल्कि देव के पुत्र हैं। सब तरफ यह हल्ला हो जाता है कि महाराज पांडु को सुंदर पांच पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब प्रिय भक्तों वो पांचों भाई पांडवों के नाम से जाने लगे। इधर महाराज धृतराष्ट्र के मैंने आपको बता दिए 100 पुत्र कौरवों के नाम से जाने लगे। प्रिय भक्तों अभी तक जंगल में ही विश्राम चल रहा है। एक दिन ऐसा संयोग आता है कि महारानी माद्री स्नान करके आती है और महाराज पांडु उन्हीं के कक्ष में बैठे रहते हैं। महारानी माद्री अत्यधिक स्वरूपवान लग रही थी और महाराज पांडु अपने श्राप को भूल जाते हैं।